सो हे गाइस, कैसा है आप सब। मैं हूं लॉर्डन, आप देख रहे हैं लॉर्डन गेमिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए माइनक्राफ्ट के वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने अपने आप को बना लिया था फुल नेदरराइट का, और भाई क्या एपिक लग रहा है भाई, देखो। सो गाइस, मेरे पास यहाँ पे 3 नेदरराइट के आर्मर है। अगर आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो नहीं देखा आपने, तो मेरे पास 3 है और भाई के पास 2 है, उसने मुझे अपना एक्स्ट्रा दे दिया था। तो इसीलिए हम लोग बाकी अपना नेदरराइट का आर्मर भी कर लेंगे ऑफलाइन में। लेकिन गाइस, आज हम लोग एक काम करने वाले जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे फार्म्स है इस वर्ल्ड में, और जब भी हम लोग चाहे इन्फिनाइट चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन एक जो फार्म है वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है भाई, वो की है भाई आयरन फार्म। क्योंकि भाई देखो, आयरन फार्म जो है ना, वो हम लोग बनाते हैं काम करता है, बंद हो जाता है, बनाते हैं काम करता है। पहले ये वाला आयरन फार्म काम कर रहा था, अब तो ये भी काम नहीं कर रहा। मतलब बताओ ये क्या अचानक इसको क्या हो गया यार, ये भी अब गाइस काम नहीं कर रहा। फार्म की तो अपने को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें बहुत सारे आयरन गोलम्स लगने वाले विदर को मारने के लिए। सो गाइस, आज हम लोग एक बनाने वाले आयरन फार्म जो कि प्रोबेबली वर्क करे अपने एमसीबी वर्ल्ड में। भाई प्लीज वर्क कर जा, ये एक फार्म है जो हम लोग का कभी साथ नहीं देता है। तो अब लाइक कर दो भाई हम लोग को हेल्प करने के लिए, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, हम लोग बहुत ज्यादा करीब है 50 के सब्सक्राइबर्स के। तो चलिए गाइस, वीडियो की जल्दी से करते शुरू। सो गाइस, देखो अपना जो आज हम लोग आयरन फार्म बनाने वाले, उसके लिए ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चाहिए, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लगने वाली है वो ले लिए, जैसे कि कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे, 3 बेड चाहिए। मैं उसको मार रहा हूँ। ओके, मार दो तुम, तब तक मैं सामान दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक नेम टैग भी है, क्योंकि हमें ज़ॉम्बीज़ को नेम देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कर लेंगे। और गाइज, ये जो अपने पास कंपोस्टर और अपने को गेट भी चाहिए, तो सारे हम लोगों ने ले लिए। तो अब देखो गाइज, आज हम लोग बनाने वाले अपना आयरन फार्म इस जगह पे। इस जगह को हम लोगों ने प्लेन किया है भाई ऑफलाइन में, यहाँ पे जितने सारे पेड़ थे सबको जला दिए, और यहाँ पे अब हम लोग आयरन फार्म बनाने वाले। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आयरन फार्म बनाना। तो देखो, पहले हमें क्या करना है, एक 9x9 का एरिया हमें डिग कर लेना है। तो 9x9 का 1 हो गया, 2, 3, 4, और भाई इतना फास्ट ये काम करता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। 1, 2, 3, 4, 5, और देखो भाई टच करने से टूट जाता है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे एक बार तोड़ लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें टाइम लगने वाला शायद। ग्रास ब्लॉक कैसे निकल रहा है तुम्हारे से? 4, 5, अच्छा मेरे से ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिल्टच का पिकैक्स है। देखो भाई इस बार एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 इधर आ गए। हाँ। यहाँ पे 2 आ गया, 3, 4, 2000 years later। सुबह गाइस, सुबह भी हो चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग का 9x9 का एरिया भी डिक कर लिए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो पूरा यहाँ पे ग्रास है ना, उसको तोड़ लेना है। और भाई देखो यार, क्या मैं फास्टली तोड़ रहा हूँ इसको भाई, क्या मतलब मेरे पिकैक्स में एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, एफिशिएंसी 4 लगा है, इतना फास्ट तोड़ रहा है, मुझे लग रहा है एफिशिएंसी 5 लगा हुआ है। ओ भाई देखो भाई, बहुत सारे मिल गए गाइस हमें ग्रास ब्लॉक्स। अब तो ग्रास ब्लॉक की हमें कोई कमी नहीं होगी। सो गाइस, अपने यहाँ पे 9x9 का होल भी रेडी हो चुका है, बस हमें पानी अच्छा हाँ पानी दे देता हूँ। हमें एक इन्फिनाइट वाटर सोर्स भी चाहिए होगा इसके लिए, दे दिया पानी। सो गाइस, अब देखो अपना जो गेट्स है ना, उनको हमें यूज़ करना है। तो अब कैसे यूज़ करना है मैं आपको एक बार जस्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 1, 2, 3 ब्लॉक्स छोड़ के आपको एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक दे देना है, और यहाँ पे भी नहीं, ऐसे करके नहीं, इसको सीधे देना है सब कुछ को। मैं एक बार दे देता हूँ यहाँ पे, 1, 2, 3 इधर भी आ गए, और इसको गाइस बीचों बीच में देना और बीच वाला तोड़ना था ना, हट जाओ, ये बीच वाला तोड़, हाँ बीच वाला तोड़ देंगे, और यहाँ पे लगा देंगे एक गेट, और सारे गेट्स को अब हम लोग खोल देंगे। तो हम लोग थोड़ा ज्यादा गेट बना लिए, लेकिन कोई बात नहीं यार, और अब चलता पानी, पानी ओ यस। अब गाइस हमें मतलब दूसरे काम करने। तो देखो ये तो गेट आ गया, जिसमें हम लोग 3x3 किए और बीच वाला गेट तोड़ दिए हैं। अब हमें चाहिए पानी, तो चारों साइड में हमें करना है प्लेस पानी को। तो मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, अरे मैंने लिया था अभी पानी लेकिन मुझे मिला नहीं, लेकिन कोई बात नहीं यार, एक दो बार ग्लिच हो जाता है। सो गाइस देखो, तो यहाँ पे पानी जो है आपको पानी डाल दिए, चलो बीच में रुका हुआ लगेगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को जाना है 3 ब्लॉक्स ऊपर। तो जो सेंटर है हमारे, जहाँ पे हम लोगों ने गेट प्लेस नहीं किया था, वहाँ से हमें जाना है 3 ब्लॉक ऊपर, और 3 ब्लॉक ऊपर जाने के बाद हमें प्लेस करना है कॉम्पोस्टर। अब हमें नीचे आना है, और ये जो 3 ब्लॉक्स है, इन तीनों टेम्प्रेरी ब्लॉक्स को आपको तोड़ देना है।
सो गाइस अभी तक तो आयरन फार्म आपको इजी लग रहा होगा भाई, क्या ही मुश्किल है इसको बनाना, बहुत हार्ड है। लेकिन एक जो डिफिकल्ट वाला काम है यार, दो डिफिकल्ट काम है एक्चुअली। एक है क्या, विलेजर को लाना और ये ज़ॉम्बी, एक ज़ॉम्बी सबसे हार्ड है। जैसे वैसे तुम्हारे अंदर से ये ऐसे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने स्विफ्टनेस का पोषण पिया है। ओ स्विफ्टनेस का, चलो हम और तुम एक बार रेस लगाते, देखते घर तक कौन जल्दी पहुंचे। चलो ओके, यहाँ पे रुक जा रुक जा रुक जा, पहले से क्यों दौड़ रहे हो? देखो ये होगा अपना लाइन, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से हमें जाना है नेदर पोर्टल तक। ओके देखो तुम चीटिंग तो नहीं कर रहे, 3 2 1 गो, चलो जंप नहीं करना है। ओके ठीक है, देखता हूँ मैं क्या स्विफ्टनेस का पोर्शन काम आता है। ओ भाई मैं जीत गया, तुम तो पहले पहुंच गए। ओ भाई माइनक्राफ्ट में अगर कभी रेस होता है तो मैं स्विफ्टनेस का पोर्शन ही पीऊंगा। हाँ बहुत ही मस्त है। अरे हम लोग वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। सो गाइस देखो हम लोग वेस्ट अब नहीं करेंगे टाइम गाइस, फालतू की चीजों में हम लोग काम करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप आपको बताते चलिए। सो गाइस अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब देखो क्या करना है, जो अपना कॉम्पोस्टर है ना उसके हमें पास जाना होगा। कॉम्पोस्टर के पास चला जाता हूँ मैं जल्दी से। तो ये अपना कॉम्पोस्टर का हाइट लेवल है। तो अरे यार मैंने यहाँ पे गलती से एक ब्लॉक प्लेस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं वो उधर चला जाएगा। तो देखो ये अपना आया कॉम्पोस्टर के ऊपर, हमें दो ब्लॉक प्लेस करने हैं। तो देखो कैसे प्लेस करना मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक फिर एक, तो आगे अपना दो ब्लॉक कॉम्पोस्टर के पास, और उसके बाद हमें प्लेस करना होगा एक ट्रैप डोर यहाँ पे, जैसे कोई भी जॉम्बी आए तो स्टक हो जाए। तो मुझे लगता तुमको है कि हटना पड़ेगा, हाँ हटना पड़ेगा तभी जाके प्लेस होगा ना। रुको मैं लगा देता हूँ उसके पीछे। नहीं नहीं लगा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, बस यहाँ पे मुझे एक प्लेस करना है। तो गाइस देखो आगे अपना काम, अब मुझे इसको सबको तोड़ लेना है और अब बेड का काम करना है। तो यहाँ पे मैं तोड़ लेता हूँ सारे चीज़ों को, और इसको भी मैं बाद में तोड़ लूँगा। तो यहाँ पे आएगा अपना जॉम्बी का कलेक्टिंग एरिया, यहाँ पे अपना जॉम्बी आएगा इस कॉम्पोस्टर के अंदर घुस जाएगा, तो वो कभी भी बाहर निकल नहीं पाएगा बेचारा। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, हाँ वही तो विलेजर के लिए अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, जो कि है जो कॉम्पोस्टर है उससे हमें एक दो और मुझे कुछ ब्लॉक्स की ज़रूरत होगी शायद, ये आगे तीन और यार एक डर्ट ब्लॉक कम पड़ गया मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। चलो मैं यहाँ से अगर ले सकता, मेरे पास नहीं, मेरे पास छोड़ दो मेरे पास ब्लॉक्स हैं। तो ये आ गया अपना चौथा। सो गाइस यहाँ पे अपने चार ब्लॉक्स आ गए, और अब हमें क्या करना है मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी बता देता हूँ। सो गाइस अब दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे मैंने किया सारा कुछ। तो देखो भाई यहाँ पे हमें कॉम्पोस्टर से चार ब्लॉक प्लेस करने, अब चौथे ब्लॉक पे एक हमें बेड प्लेस करना है, और बेड के दोनों ही नीचे ब्लॉक्स में हमें एक एक करके जो है बेड प्लेस करना है, ऐसे करके जैसे कि आप देख सकती हैं यह है अपना बेड, उसके जस्ट एक ब्लॉक नीचे और एक बेड, और उसके साइड में और एक बेड। अब हमें जो ग्लासेस है वो बेड के एक ब्लॉक दूर जाके हमें तीन ग्लासेस यहाँ पे प्लेस करने हैं, और उसके बाद एक ब्लॉक छोड़ के दो ग्लासेस यहाँ पे, दो ग्लासेस यहाँ पे, होप करता हूँ आपको समझ में आएगा, वैसे समझ में तो शायद आना चाहिए। और यहाँ पे एक आएगा फिर ग्लास से कनेक्टेड, यहाँ पे एक आएगा कॉम्पोस्ट नहीं क्या कहते इसे, स्लैब, हाँ एक स्लैब आ जाएगा ऐसे करके, और उसके ऊपर एक स्लैब एक ब्लॉक ऊपर, और फिर से वही जगह पे और एक स्लैब इस साइड को। तो ये क्या हो गया अपना विलेजर्स के लिए एक जगह हो गया, जैसे वो बेचारे रह सकते हैं आराम से, क्योंकि हर बार विलेजर लाने हैं मर जाते हैं। और अब हमें बहुत ज्यादा मुश्किल काम करना है, जो कि एक विलेजर लाना है, फिर ज़ॉम्बी लाना है। ज़ॉम्बी और विलेजर गाइस दोनों हम लोग रेल से लाने वाले हैं, तो इसीलिए हम तो वो पार्ट दिखाएंगे नहीं, स्किप कर देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अभी कुछ फोन हो जाएगा, हाँ तो जल्दी से हम लोग सो लेते गाइस और विलेजर लाके आपसे मिलते हैं। सो ओके गाइस फाइनली इतनी देर की कड़ी मेहनत के बाद भाई, मतलब क्या ही बताओ यार इतना ज्यादा टाइम लग रहा है भाई। अच्छा तुमने रेल्स तोड़ दिए क्या? हाँ तोड़ रहा हूँ। हाँ तोड़ दो। तो गाइस इतने ज्यादा कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने फाइनली जो है अपने कैद कर लिए यहाँ पे तीन विलेजर्स और एक ज़ॉम्बी। सो गाइस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यार थे हम लोगों ने, लेकिन ब्रीड कर, हाँ गाइस, और सबसे ये क्या पता कैसे जॉब पकड़ लिया, लेकिन कोई बात नहीं। और गाइस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तो ये अपने ज़ॉम्बी भाई को है, ज़ॉम्बी भाई मारेगा तो नहीं, ओ मारेगा भाई मारेगा, ओ भाई गुस्से है क्या। सो गाइस इसको पकड़ने में हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन अब हम लोगों ने कर दिया है। अब देखो क्या करना है अपना, जो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नेम टैग लिए हैं जिसको इसको नेम देना होगा, तो इसका नाम रखेंगे हम लोग जोगेंद्र। तो नेम रख देते जैसे कि डिस्पॉन ना हो, तो भाई यो जोगेंद्र यहीं पर रहना। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि इसको तोड़ सकते हैं रेल्स को, और हम लोग जोगेंद्र भाई, जोगेंद्र मारेगा भाई उसको छोड़ दो। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग बढ़ सकते हैं, जो कि भाई अब कलेक्टिंग एरिया थोड़ा डिफिकल्ट काम जो वो अब मिट चुका है, अब हम लोग खुशी ला सकते हैं गाइस, क्योंकि अब है इजी काम बाकी बस। तो इजी काम भी चलिए हम लोग जल्दी से एरिया बनाना, कलेक्टिंग एरिया बनाना। अरे यार ये
एक जगह पे तोड़ो, हजार जगह पे टूट जाते हैं भाई, ये क्या होता है? हट जाओ, मैं वहाँ पे प्लेस कर दूँगा। यहाँ पे गड्ढा है। हट जाओ, गड्ढा है नहीं, कर दिया मैंने, वो एक ही टच में हो जाता है, बहुत ज़्यादा सख्ती है ना। तो वैसे चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है कलेक्टिंग एरिया बनाना, आई गेस, शायद एक बार मैं देख लेता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप कलेक्टिंग तो एरिया बनाना नहीं है, लेकिन भाई कुछ और काम करने का है। तो देखो अब हमें रूफ बनाना पड़ेगा अपने विलेजर्स के लिए, तो मैं चढ़ जाता हूँ, तुम भी चढ़ जाओ, तुम्हारे पास ब्लॉक्स है ना? हाँ, मेरे पास तो ब्लॉक्स नहीं है। क्या ब्लॉक्स नहीं है तुम्हारे पास? सो गाइस देखो अब हमें एक दो ऐसे दो ब्लॉक्स ऊपर आने पड़ेंगे, और एक उसके बाद वाले ब्लॉक में हमें ऐसे करके एक ब्लॉक ये दे देना पड़ेगा स्लैब। तो अब 7x8 का होगा, 7x8 का होगा, मतलब ये एक आ गया अपना, ये दो, ये तीन, और ये चार इस तरफ और तीन उस तरफ देना पड़ेगा, तो इधर का 7 बन जाएगा, और 7x8 को हम लोग फिल कर देंगे। 50 स्लैब से होगा क्या? मैं ऐसे 50 स्लैब लेके आया, पता हो जाएगा। ये 7, ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7, ये आ गया अपना 8। तो अब हमें मतलब ग्रास ब्लॉक हम लोग हटा सकते हैं भाई, क्योंकि हमें जॉम्बिस को अब प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो जलेंगे नहीं मतलब, लेकिन फिर भी हम लोग चांस नहीं ले सकते ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम लोग जॉम्बी लाए हैं यार, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है गाइज। अगर हम आप लोग ये फार्म को ट्राई किए या फिर करने वाले हैं, तो करने के बाद कमेंट करना कि आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगा। वैसे हमें तो जॉम्बी वाला ही लगा है, तो भाई अभी ये वर्क करेगा कि नहीं वो भी बहुत बड़ा पड़ेगा, बहुत बड़ा देखना पड़ेगा यार। अगर वर्क नहीं किया तो बहुत खराब लगने वाला है, इतना मेहनत से बना रहे एक तो, वही तो, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब वर्क नहीं किया तो हम लोग नेक्स्ट फार्म पे चलेंगे। तो भाई देखो, तो ये आ गया, अरे यार कुछ ही ब्लॉक्स कम पड़ गए, शायद मेरे पास होंगे अपने शल्कर बॉक्स में, मैं चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पास शल्कर बॉक्स में है, शायद होंगे, या फिर दूसरे ब्लॉक्स लगा देंगे, नहीं तो यस है मेरे पास है। चलो भाई, तो यहाँ पे बस 12 चाहिए और शायद, और थोड़े में बना लेता हूँ, 18 बना ली मैंने, चांस नहीं लेना है भाई, तो इसको तोड़ता हूँ। और भाई याद से इसको शिल्टर से तोड़ना पड़ेगा, मैं एक दिन गलती से इससे तोड़ दिया था और अपना लॉस हो गया था भाई। तो देखो फिर से मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, और ये भी काम अपना हो गया कंप्लीट। सो गाइस ये अपना ज़ॉम्बी प्रोटेक्शन और विलेजर प्रोटेक्शन जगह भी बन गया है। अभी तो मुझे पक्का पता है कि अभी हम लोग को बनाना है कलेक्टिंग एरिया, पक्का पता है ना तुम्हें? दिखाओ ये तो बेकार वाटर बकेट था, हार्ड क्वालिटी वाटर बकेट, क्या फालतू वाटर बकेट, क्या गुंडा बनेगा रे तू। सो गाइस चलिए अब कलेक्टिंग एरिया के प्रोसेस पे चलते हैं हम लोग। सो गाइस एक मतलब चीज़ आपको ध्यान में रखना है इस फार्म को बनाने से पहले, कि जहाँ पे आप बना रहे हो वहाँ पे फुल टॉर्च लगा देने हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फुल टॉर्च लगा दिए। अब देखो ये 3x3 का जो अपना ब्लॉक है उसको हमें 17 ब्लॉक डीप लेके जाना है, जैसे कि वो गिरते ही मर जाए, ज़्यादा हम लोग को मेहनत ना करना पड़े। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, अरे ये तो तुमने गलत जगह माइन कर दिया, वहाँ पे प्लेस कर दो, एक्स्ट्रा ब्लॉक प्लेस कर दो। चलो तो यहाँ पे गाइज अपना 3x3 आ गया और दो ब्लॉक यहाँ पे आ चुका है, तो अब हमें 15 ब्लॉक यानी कि जाने, नहीं अब हमें जाने हैं कितने ब्लॉक्स, अब हमें जाने, अरे तुम गिन के जाओ यार। अच्छा, रुको ये आ गए, रुक जाओ, दो तुम गिन लो, मैं तोड़ता हूँ, तीन, चार, पाँच ब्लॉक्स हम लोग हैं, पाँच ब्लॉक्स हैं, मतलब अब हमें जाने और 12 ब्लॉक्स, तो ये आ गए, अब हमें जाने और 11, अब 10, अब 9, अब 8, अब ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, मतलब हमें इतना दूर आ जाना है और 3x3 का एक होल बना देना है, जैसे कि हम लोग एक कलेक्टिंग एरिया बना पाए गाइस। तो हम लोग इसको भी जल्दी से कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगने वाला है। ओ तुम भी आ गए, चलो बहुत बढ़िया है यार, जल्दी जल्दी अपना काम हो जाएगा, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं गाइस, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं 17 ब्लॉक्स डीप, और अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना है, यहाँ पे कोई भी आपको कोने वाले ब्लॉक को माइन कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे उस साइड को फेस करके हॉपर लगाने, जैसे कि उसका फनल वो साइड में हो। अब हमें लगाने साइन बोर्ड, तो साइन बोर्ड तो तुम्हारे पास है, लगा दो यहाँ पे एक लगाने, देखो भाई यहाँ पे एक लगाने, फिर क्राउच करके उसके ऊपर और एक, नहीं उसके साइड में और एक, जैसे एक जगह बन जाए ऊपर में एक, अरे यार बार बार आ जा रहा है ये, चलो भाई इसको हटा दो, अब इसके साइड में एक, मैंने हर साइड में एक ओके, मतलब हाँ उसके बाद फिर इस साइड में भी सेम, बार बार आ जा रहा है इस साइड में भी सेम शायद ना, इस साइड में भी, अरे यार बार बार, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो आप देखो हमें लगाने लावा बकेट, तो उसके पहले हम क्या एक रूम बना ले जहाँ से हम लोग कलेक्ट कर पाए इजिली। रूम तो बनाना पड़ेगा, लेकिन तो बाद में बनाएंगे, अभी यहाँ से वापस जाना है हम लोग को।
अच्छा ऊपर जाना है। हाँ तो चलो भाई हम लोग अपना सस्ता वाटर बकेट ट्रिक करके ऊपर चलते हैं गाइस जल्दी से, और आपसे मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई है तो ये सस्ता ही, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बहुत सो गाइस हम लोगों ने एक कलेक्टिंग एरिया बना लिया जो कि डायरेक्टली नीचे आता है और लैडर के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने चेस्ट वेस्ट सब कुछ प्लेस कर दिए, तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमें लावा प्लेस करना है। अरे हट जाओ यहाँ से नहीं तो तुम जल जाओगे। सॉरी मैं जाता हूँ पीछे थोड़ा। चलो वहाँ से देखो, वहाँ से देखो, अब दिखाओ। अभी देखो हाँ लावा है ना इसके एकदम साइन बोर्ड के बीच वाले साइन बोर्ड के एकदम ऊपर जस्ट। हट जाओ मैं देखने दो एक बार। सो गाइस देखो यार ऐसे करके वो भाई एक ही ब्लॉक लग रहा है। अब यार पानी बकेट अब जो पानी जहाँ पे था वहाँ पे बस लगा देना है। तो ऐसे क्या होगा ना आयरन वाला मर जाएंगे। यहाँ पे ब्लॉक्स लगा दो, कवर कर देता हूँ मैं। ओके हाँ कर दो जो करने तुम्हें कर लो जल्दी से। ये मैंने कवर कर दिया। चलो अब हम लोग जा सकते हैं गाइस। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे पानी क्यों आ रहा है, कोई बात नहीं इसको बंद करना, बस इसको बंद करना पड़ेगा अपने। रुको इसको नहीं, क्या हुआ, ऊपर ही बंद करना पड़ेगा ना। हाँ ओके बंद कर दो। रुको मैं बंद कर देता हूँ। यार ये पानी दिमाग खराब करता है। चलो एक ब्लॉक तो आगे हट जाओ बाकी ब्लॉक्स और ब्लॉक बाकी ब्लॉक्स मैं कर लेता हूँ। और आ जा यार। चलो अरे यार ये क्या हो रहा है, क्या तुमने प्लेस कर दिया। चलो भाई सो गाइस कहाँ पे लगा दिया, फिर गलत जगह पे लगा दिया क्या तुमने। नहीं ठीक है तो मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। रुको ओके। वो अरे यार ये पानी ये देखो एक चिकन आ गया अपने पास। अरे चिकन अभी क्यों आया, तू क्यों आया। सुनो तुम अपना काम करो, मैं चिकन को बताता हूँ। ये चिकन जानता है हम लोग यहाँ पे बना रहे एक आयरन फार्म। ये बोल रहा है कि इसको भी हिस्सा चाहिए क्योंकि ये एरिया इसका है। हाँ घंटा तुमको हिस्सा देंगे हम लोग, तो इसको तो हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। चिकन ये ले तेरा हिस्सा, बाय बाय चिकन। म्यूजिक उसको तुमने मार क्यों दिया वैसे? ये इसका हिस्सा था, ये इसका जो ये हिस्सा है ना पांच वो मेरा हिस्सा है। सो गाइस देखो ये अपना आ गया, ये अपना अब हम लोग का आयरन फार्म जो है वो टोटली रेडी है। सो गाइस अब हम लोग का फार्म जो है वो रेडी हो चुका है। अब बस हमें वेट करना है, एफके करना है बहुत देर तक जब तक आयरन कॉलम स्पॉन नहीं हो जाते। मुझे तो अभी तक तो होगा नहीं, ऐसे मत बोलो यार तुम, क्या शुभ बोलो यार, हम लोग का आयरन कॉलम स्पॉन होगा। अरे हो जाएगा यार। सो गाइस ऑफलाइन में हम लोग थोड़ा एफके करेंगे और आपको बताएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि ये काम करता है कि नहीं। तो इसलिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी मत ट्राई करना, हम लोग आपको बता देंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद अपने वर्ल्ड में काम कर इसको ट्राई करना, क्योंकि आपका भी सर्वाइवल वर्ल्ड है यार, वेस्ट हो जाएगा रिसोर्सेस। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे बाकी वीडियोज़ भी देखते रहिए।